सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट फ्राइडे दो मूवीज़ रिलीज हुई OTT पर, सेक्टर 36 एंड बर्लिन। इन दोनों फिल्मों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बर्लिन के बारे में। डायरेक्टेड बाय अतुल सभरवाल, स्टारिंग अपार शक्ति खुराना, राहुल बोस एंड ईश्वक सिंह। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। स्टोरी इसकी अपार शक्ति के कैरेक्टर के बारे में है, जो कि एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट है, जिसको कुछ स्पाइस हायर करते हैं एक डेफ एंड म्यूट पर्सन से इंटेरोगेशन के लिए, जिसमें उनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है एंड इसी के ऊपर स्टोरी है। पर्सनली देखो, ये फिल्म मुझे कोई बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी। फर्स्ट हाफ इस फिल्म का अच्छा है, बट सेकंड हाफ आते आते फिल्म बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाती है, बोरिंग हो जाती है एंड फिल्म कहीं से कहीं भटक जाती है। फिल्म जहाँ से शुरू होती है वो पॉइंट एक्चुअल में एंड तक रहता ही नहीं है। फिल्म की स्टोरी कहीं से कहीं चले जाती है। स्क्रीन प्ले इस फिल्म का ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। बिकॉज अगर स्क्रीन प्ले इस फिल्म का बहुत ज़्यादा अच्छा होता तो ये फिल्म और भी ज़्यादा एंगेजिंग बन सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन प्ले उसका उतना अच्छा है नहीं। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस सबकी अच्छी है। अपार शक्ति की परफॉर्मेंस फिल्म में अच्छी है। राहुल बोस एंड ईश्वक सिंह की परफॉर्मेंस ने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है। तो परफॉर्मेंस वाइज फिल्म अच्छी है, बट स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले फिल्म का उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव मुझको नहीं लगा। डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो अतुल सभरवाल का डायरेक्शन अच्छा है, ठीक ठाक सा है, बट क्योंकि स्क्रीन प्ले इस फिल्म का वीक है तो उनका डायरेक्शन भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाता है। बट एज आई सेड कि फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है एंड कुछ कुछ सीन्स है जो एक्चुअल में एंगेजिंग है और अच्छे हैं, बट क्योंकि स्टोरी कहीं से कहीं निकल जाती है तो इसीलिए वो अच्छा डायरेक्शन भी फिल्म को और ज़्यादा एंगेजिंग नहीं बना पाता है। जब ऑडियंस फिल्म देखेगी तो शायद वो लोग एक पॉइंट के बाद फिल्म से अपना इंटरेस्ट खो दे, जो कि इस फिल्म को एक बहुत ही अच्छी और यूनिक स्टोरी होने के बावजूद भी क्योंकि सेकेंड हाफ कहीं से कहीं निकल रहा है उतना एंगेजिंग नहीं बना पाता है। बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म का ठीक ठाक सा है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव मुझको नहीं लगा। राहुल बोस बहुत ज़्यादा फिल्में करते नहीं हैं, लेकिन वो जिस फिल्मों में हमको दिखते हैं वो फिल्म बहुत ही यूनिक होती है एंड ये फिल्म भी यूनिक हो सकती थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म उतनी अच्छी बनी नहीं है। बट राहुल बोस की परफॉर्मेंस अच्छी है एंड उनका काम ऑडियंस को पसंद आएगा। अपार शक्ति की भी परफॉर्मेंस फिल्म में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अदर देन दैट, फिल्म में जो इंटरोगेशन के सीन हैं जहाँ पे अपार शक्ति खुराना साइन लैंग्वेज में ईश्वक सिंह से बातें करते हैं, वो सारे सीन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग लगे एंड वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। सो एट दी एंड आई एम गोना से कि बर्लिन एक बहुत ही यूनिक स्टोरी बन सकती थी, बट क्योंकि सेकेंड हाफ इस फिल्म का उतना अच्छा नहीं है तो ये फिल्म एक डिसेंट फिल्म बन करके रह जाती है एंड मैं इस फिल्म को देता हूँ 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप लोगों ने अगर बर्लिन देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं सेक्टर 36 के बारे में, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। फिल्म की मतलब मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। फिल्म को जिस तरीके से शूट किया गया है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है एंड उससे भी ज़्यादा कमाल का है परफॉर्मेंसेस। फिल्म में विक्रांत मासी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगी। उन्होंने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है, एक्चुअल में आप उससे नफरत करने लग जाओगे। एंड दीपक डोबरियाल, आई जस्ट लव्ड हिज परफॉर्मेंस, द वे ही पोर्ट्रेट द कैरेक्टर, इट वॉज अमेजिंग। इसकी स्टोरी नोएडा में निठारी के अंदर कुछ इंसिडेंट्स हुए थे कुछ साल पहले, उसी के ऊपर बेस्ड है। प्रेम नाम का एक आदमी है जो बच्चों को उठाता है, उन्हें मारता है, उन्हें खा जाता है और उनके ऑर्गन्स को बेच भी देता है। कैसी स्टोरी है एंड इसको किस तरीके से उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फिल्म में कोई सस्पेंस नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, बट उसके बावजूद भी इसका स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा एंगेजिंग है कि आप कहीं पर भी ज़रा सा भी बोर फील नहीं करोगे। आपको हर चीज़ पता रहता है कि किसने बच्चों को उठाया है, कौन मार रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ दिखाया गया है फिल्म के अंदर। कुछ भी सस्पेंस वाली चीज़ नहीं है, बट उसके बावजूद भी जैसा इस फिल्म का स्क्रीन प्ले है वो चीज़ें और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है देखने में। इसके अलावा दीपक डोबरियाल ने जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उस कैरेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही लेयर्ड सा कैरेक्टर है दीपक डोबरियाल का, कि कैसे वो पहले केसेस को लेकर के उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, लेकिन जब उसके खुद के ऊपर आती है तो वो केसेस को लेकर सीरियस हो जाता है, बट उसके सीनियर्स के वजह से वो केस को ठीक से इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पा रहा होता है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में दिखाया गया है और समाज की बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की गई फिल्म के अंदर। जैसे कि इंटरोगेशन सीन है फिल्म के अंदर, वो भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंगली रिटन है एंड ओवरऑल जो स्क्रीन प्ले है वो इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य निंबालकर ने, जिनकी ये डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है एंड मानना पड़ेगा यार, उन्होंने क्या फिल्म बनाई है। ये उनकी पहली फिल्म है और लगता ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने फिल्म को बहुत ही अच्छे वे में एग्जीक्यूट किया है, कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी कहीं से भी ख़राब नहीं लगता, वो भी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग है एंड अलग ही लेवल का मज़ा देता है वो बैकग्राउंड स्कोर। सो एट द एंड सेक्टर 36 मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई
एंड आई एम श्योर कि जो लोग देखेंगे उनको ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को फिल्म के अंदर खून खराबा देखना पसंद नहीं है या गाली गलौज देखना पसंद नहीं है तो आप इस फिल्म से दूर रहो। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद है तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सो आई एम गोना गिव दिस फिल्म 4 out of 5 star। एंड जैसा मैंने कहा, आपको अगर ये सारी चीज़ें देखना पसंद है तो ज़रूर आप ये फिल्म देख सकते हो, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा एंड बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलेगी एंड एक क्रिमिनल का माइंडसेट क्या होता है वो भी आप देख पाओगे फिल्म के अंदर। सो अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना एंड ऐसी ही और भी वीडियोज़ पड़ी हुई है चैनल के अंदर, जाकर के उनको देखिए। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।